हेलो स्टूडेंट दिस इज़ पंकज जमान फैकल्टी मेंबर ऑफ एस बी एस लॉ कॉलेज श्री गंगानगर वी आर स्टडिंग मुस्लिम लॉ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ वैलिड विल एक विल क्या होती है वट इज़ रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड विल क्या एक अनबॉर्न चाइल्ड को बिक्वेस्ट किया जा सकता है मीन्स कि अनबॉर्न पर्सन को भी विल की जा सकती है और विल जो है उसके रिगार्डिंग क्या रूल है यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपने गिफ्ट वहाँ पर पढ़ लिया है गिफ्ट आपने देखा कि गिफ्ट में प्रॉपर्टी जो है इमीजिएटली जो है वन परसेंट टू अनदर परसेंट ट्रांसफर हो जाती है विल जो है उसमें डोनर जो है डॉनी को विदाउट एनी कंडीशन विदाउट एनी कंसिडरेशन वलेंटली जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि डॉनी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट भी करता है तो ये आपने गिफ्ट वहाँ पे पढ़ लिया अब आपके पास यहाँ पे आता है कि वट इज़ विल तो विल एक अनदर वे है जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे आपने गिफ्ट को देखा कि गिफ्ट को जो है आप जो है गिफ्ट के थ्रू जो है आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी संबन एज को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं उसी तरीके से विल भी विल में भी आप क्या करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी सेकेंड पर्सन को ट्रांसफर वहाँ पर करते हैं तो देखिए विल में एक्चुअली क्या होता है कि गिफ्ट में आपने देखा कि देने वाला और लेने डोनर एंड डोनी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी जब गिफ्ट होता है तो दोनों वहाँ पे होते हैं दोनों अलाइव होते हैं जी रहे होते हैं लेकिन इन द विल एक पार्टी जो है वो अलाइव होती है और दूसरी पार्टी वहाँ पे uh, उसकी डेथ हो चुकी है तो विल का प्रोसीजर क्या है कि विल जो है एक पर्सन जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे टेस्टेटर टेस्टेटर जो है अपनी ड्यूरिंग लाइफ लाइफ टाइम वो जो है अपनी प्रॉपर्टी की वसीद कर जाएगा और बोलेगा कि उसके मरने के बाद उस प्रॉपर्टी की जो है कैसे जो है उस प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट होगी कौन उस प्रॉपर्टी का मालिक होगा इसका प्रोविज़न वो अपनी लाइफ टाइम में कर जाता है और ये प्रॉपर्टी मिलती है उस लेजिटी को जिसको उसने प्रॉपर्टी दी है विल में उसके मरने के बाद तो ये कंसेप्ट है गिफ्ट में दोनों पार्टियाँ अलाइव होती हैं विल में दोनों पार्टीज अलाइव नहीं होती हैं गिफ्ट जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी का किया जा सकता है इरिस्पेक्टिवल की उसके जो अपने हेयर हैं उनको कुछ मिले या ना मिले लेकिन विल जो है ओनली मुस्लिम लॉ के अंडर जो है वन थर्ड प्रॉपर्टी का ही किया जा सकता है ये सारे प्रोविजन जो है आप यहाँ पे पढ़ेंगे देखिए विल इज मेड द ट्रांसफर प्रॉपर्टी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सेल गिफ्ट हिब्बा एन एक्सचेंज तो विल भी क्या है एक मोड है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का लेकिन ये सम हाउ डिफरेंट है सेल से गिफ्ट से हिब्बा से एक्सचेंज से ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी द ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हैपन्स इन टू इन टू अलाई पार्टीज तो इन गिफ्ट तो गिफ्ट में आपने देखा कि ट्रांजैक्शन जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफर जो होती है दो अलाइव पार्टीज़ के बीच में होती है लेकिन विल में जो है एक पार्टी अलाइव होती है और एक पार्टी की डेथ वहाँ पे हो चुकी है इट क्लियरली मीन्स द विल कम्स इन टू इफेक्ट आफ्टर द डेथ इट का मतलब यही हुआ इसका तो यही हुआ कि जो विल में जो प्रॉपर्टी होती है टू द डेथ ऑफ दैट टेस्टेटर जो कि विल बनाता है उसके मरने के बाद ही इम्प्लीमेंट होती है तो गिफ्ट तब भी ट्रांसफ़र हो जाता है तभी प्रॉपर्टी जो है डॉनी को मिल जाती है लेकिन विल में प्रॉपर्टी जो होती है जिसको प्रॉपर्टी दी गई है विल के अंडर जिसके नाम पर बसीत की गई है उसको प्रॉपर्टी टेस्टेटर के मरने के बाद मिलती है अब डेफिनेशन क्या है तो सेक्शन टू एच ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट नाइनटीन के अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं ध्यान में रखिएगा ये है इंडियन सक्सेशन एक्ट नाइनटीन हिंदू सक्सेशन अगर हिंदू uh, में कोई पर्सन जो है किसी पर्सन की डेथ हो जाती है uh, अगर उस पर्सन की डेथ इंटेस्टेट हो जाती है बिना बसीत की हो जाती है तो उस पर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है लेकिन अगर किसी क्रिश्चियन uh, की पारसी की जो अनदर रिलीजन है उस किसी पर्सन की डेथ वहाँ पे हो जाती है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी है अगर वो बिन बिन जो है विदाउट एनी विल या फिर इंटरेस्टेड खत्म हो गया है तो उस पर जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट नाइनटीन लगता है और उसके अकॉर्डिंग जो है उसके हायर को प्रॉपर्टी हेयर को प्रॉपर्टी जो दी जाती है विल इज द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ द देंटर तो इसमें डेफिनेशन दे रखिए कि विल क्या है एक लीगल डिक्लेरेशन है ऑफ़ द इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर टेस्टेटर कौन है हु मेक्स द विल जो कि विल बनाता है अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो विल क्या है लीगल डिक्लेरेशन है टेस्टेटर की जो इंटेंशन होती है और जो वो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रॉपर्टी विद ही डिज़ायर टू बी कैरेंट इंटू इफेक्ट आफ्टर से जो उसको ये बता के जाता है कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी इस तरीके से कैरेंट इंटू इफेक्ट में आएगी इस इस तरीके से उसके बोलने के अनुसार उसकी इंटेंशन में उस प्रॉपर्टी को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या उस प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट जो है उसके मरने के बाद की जाए तो यही डेफिनेशन जो है मुस्लिम लॉ में भी कवर होती है द विल इज़ अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट ये एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे आप लिख के जाते हैं विच अ पर्सन मेक्स डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जिसमें एक पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन करके जाता है और ये बता के जाता है कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी की नेचर क्या होगी उसको कौन संभालेगा उसका कौन मालिक जो वहाँ पर होगा तो ये है आपके पास तो यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं विल में एक होता है टेस्टेटर एक होता है लेजिटी जैसे आपने डॉनर और डॉनी देखे डॉनर कौन था जो कि गिफ्ट कर रहा था डॉनी कौन था जो कि गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा था यहाँ पे विल में टेस्टेटर कौन है जो कि विल को बना रहा है पर्सन मेकिंग विल और लेजिटी यहाँ पे कौन है विल इज मेड जिसके फेवर में विल जो है बनाई जा रही है जिसके फेवर में विल बसीद की जा रही है जिसको प्रॉपर्टी जो है जाएगी उसको बोलेंगे हम लेजटी तो दो वर्ड आपने याद रखने हैं टेस्टेटर एंड लेजटी अब आपके पास है यहाँ पे सारी डेफिनेशंस आपने देख ली इसके बेसिस पे आप एलिमेंट्स ऑफ विल निकाल सकते हैं तो सबसे पहले क्या है एक ये लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर है एक लीगल डिक्लेरेशन है जो कि वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करके रिटर्न इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करके जाता है सेकंड सच डिक्लेन मेड इन इंस्पेक्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ये डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है उसकी प्रॉपर्टी की अरेंजमेंट से रिलेटेड है कि उसकी प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद कैसे अरेंज होगी उसकी प्रॉपर्टी के कौन कौन से वारिस होंगे उसकी प्रॉपर्टी का कोई एक ही वारिस है तो वो कौन होगा इट टेक्स इफेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर और ये विल जो है ना जो कि उसने अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर रखी है ये इफेक्ट में कब आएगी उस पर्सन के उस टे टेस्टेटर के मरने के बाद आएगी इट मीन्स कि जब तक वो जी रहा है तब तक ये विल इम्प्लीमेंट नहीं होगी उसके मरने के बाद ये विल जो है इम्प्लीमेंट होगी अब वैलिड रिक्वेसिट्स क्या है तो कुछ इजेंशियल एलिमेंट बताइए जिससे जो है एक रसीद जो है की जा सकती है तो इजेंशियल एलिमेंट यहाँ पे वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे सबसे पहले आपके पास टेस्टेटर एंड हिज कॉम्पिटेंस एनी पर्सन हु इज़ मुस्लिम अडल्ट एंड साउंड माइंड कैन मेक इट तो सबसे पहले आपने टेस्टेटर की कॉम्पिटेंस देखी टेस्टेटर कौन जो कि विल बना रहा है हु मेक्स विल जो कि विल बनाता है जो अपनी प्रॉपर्टी को जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड विल करके जाता है तो वो क्या होना चाहिए एनी पर्सन हु मुस्लिम जो कि मुस्लिम है अडल्ट है मेजर है और साउंड माइंड है वो बसी जो है कर सकता है तो अब्दुल मनन खान वसी मुर्तजजा खान ए आई Uh, 1981 पटना का केस है द पटना हाई कोर्ट हेल्ड दैट एनी मुसलमान हु इज मेजर साउंड माइंड कैन मेक अ विल ऑफ इज प्रॉपर्टी देर इज ए नो डेफिनेशन डेफिनेट फॉर्मेट ऑफ द विल विल का कोई डेफिनेट फॉर्मेट नहीं है द थिंग रिक्वायर्ड इज दैट द टेस्टेटर शुड डिक्लेयर द इंटेंशन टू बस इतनी सी जरूरत है कि जो टेस्टेटर यहाँ पे अपनी इंटेंशन बता दे लिख के बता दे कि वो जो है प्रॉपर्टी किसको देना चाहता है अपने मरने के बाद माइनर इज इनकॉम्पिटेंट बट दिल ऑफ माइनर वैलिडेटेड बाय हिज रेटिफिकेशन ऑफ अटेंडिंग मेजर एक माइनर पर्सन जो है वो बिल नहीं कर सकता है ये ध्यान में रखिए कि एक माइनर पर्सन जो है वो बिल नहीं कर सकता है बट जब वो माइनर उसने एक माइनर ने विल कर दी उसने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में विल कर दी हालांकि वो नहीं कर सकता था लेकिन जैसे वो 18 साल का होगा जैसे उसकी एज जो है मेजर uh, एज में आ जाएगा तो वो अपनी विल को रेक्टिफाई कर सकता है इट मीन्स कि वो बोल सकता है कि जो कि मैंने माइनर एज में जो विल बनाई थी आज मैं अठारह साल का हो गया हूँ मैं उस मसीद को मानता हूँ तो इट मीन्स कि आफ्टर रिटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी जो है वो उसको रेक्टिफिकेशन दे सकता है रेक्टिफाई उसको कर सकता है अ विल इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर द फ्री कंसेंट और जो विल बनाई गई है वो जो है बिना फ्री कंसेंट के साथ बनाई गई हो उस पर कोई प्रेशर ना हो दबाव ना हो कोई अंडी इन्फ्लुएंस ना हो कोई क्वर्जन ना हो कोई फ्रॉड उसके साथ जो है वहाँ पे ना हो अंडर द द विल ऑफ पर्सन कमिटिंग सुसाइड इज़ वैलिड अंडर द सुनीला अगर विल जो है जो है सुसाइड के टाइम पे की जाती है सुसाइड उसने किया और वहाँ पे उसने विल बना दी तो वो वैलिड विषित मानी जाती है लेकिन शिया में उसको वैलिड नहीं माना जाता है ठीक है जी अगर उसने कोई एक्ट टू वर्ड कमीशन सुसाइड कर लिया है तो वो नॉट वैलिड है ये आपको ध्यान में रखना है अब दूसरा है आपके पास लेजटी एंड हिज कॉम्पिटेंस तो दूसरा आपके पास इजेंशियल कंडीशन क्या है विल की कि लेजटी एंड हिज कॉम्पिटेंट एक लेजटी जिसको घसीद की जा रही है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए उसकी भी कॉम्पिटेंसी वहाँ पर होनी चाहिए तो वो वो कौन होना चाहिए लैजटी कौन है ये आपको पता है हु होल्ड द प्रॉपर्टी तो लैजटी कौन बन सकता है जो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है जो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है तो एक पर्सन ही जो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है क्या कोई जानवर कर सकता है तो ऐसे पर्सन को प्रॉपर्टी दी जा सकती है जो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सके दूसरा लेजिटी कौन हो सकता है किसको प्रॉपर्टी दी जा सकती है विल में वो किसी भी सेक्स का हो सकता है वो मेल भी हो सकता है वो फीमेल भी हो सकता है किसी भी क्रीड का हो सकता है किसी भी रिलीजन का हो सकता है इट मीन्स कि वो नॉन हिंदू नॉन मुस्लिम को भी प्रॉपर्टी जो है विल कर सकता है वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसको भी विल जो है की जा सकती है वो भी लेजटी हो सकते हैं बिक्वेस्ट बिक्वेस्ट को बिल नहीं बोला जाता है नॉन uh, मुस्लिम को भी, भी बसीद की जा सकती है लेकिन कंडीशन क्या कि है इट मीन्स कि एक हिंदू को एक क्रिश्चियन को इसी को भी बसीद की जा सकती है लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जो नॉन मुस्लिम हो वो हॉस्टाइल टू टू वर्ड इस्लाम नहीं हो चाहिए इस्लाम का विरोधी नहीं होना चाहिए कुरान कुरान के बारे में जो है या फिर इस्लाम के बारे में गलत सोच वहाँ पे ना रखता हो इन द मैटर ऑफ़ एस्टेट ऑफ लेट श्री मुस्लिम सिद्दीकी भाई लाल शुक्ला वसी ए टू थाउजेंड सेवन का केस है इट हैज़ बिन हेल्ड बाय द इलाहाबाद हाईकोर्ट दैट अ मुस्लिम पर्सन कैन मेक इज बिल प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ नॉन मुस्लिम ऑल्सो तो एक नॉन मुस्लिम को भी वसीद कर सकता है लेकिन कंडीशन यही है कि वो जो है हॉस्टाइल टू इस्लाम नहीं होना चाहिए क्या एक मर्डर जो है वो जो है लेजटी हो सकता है तो मर्डर भी जो है वो भी लेजटी हो सकता है इसके रिगार्डिंग शिया लॉ और सुन्नी लॉ जो है अलग अलग बात यहाँ पर बोलते हैं सुन्नी लॉ यहाँ पर बोलता है इफ़ ही डाइज वेदर मर्डर डन इट इंटेंशनली और इंटेंशनली इन द मैटर द विल इज़ इनवैलिड अगर उस पर्सन ने उस बसीत के रिगार्डिंग कोई मर्डर जो है वो जानबूझ के किया है या उससे गलती से हो गया है इंटेंशनली किया है या अन इंटेंशनली किया है अगर उसने कोई मर्डर किया है तो अगर उसको कोई बसीत वहाँ पे उसके किसी पर्सन ने कर रखी है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी वो इन हो जाएगी जहाँ पे आपके पास यहाँ पे शिया लॉ क्या बोलता है शिया लॉ बोलता है कि अगर आपसे मर्डर इंसिडेंटली हुआ है अन इंटेंशनली हुआ आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी मर्डर करने और से और आपसे जो अन इंटेंशनली वहाँ पर मर्डर हो गया है और अगर आपके नाम पे कोई बसीत है तब आप उसके मालिक जो है बन सकते हैं तो एक मर्डर को भी बसीत हो सकती है लेकिन शिया सुन्नी के यहाँ पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है क्या एक अनबॉर्न पर्सन को जो है विल की जा सकती है मीन्स कि एक अनबॉर्न पर्सन भी लैजटी हो सकता है अ चाइल्ड हु इज़ बॉर्न विद इन सिक्स मंथ ऑफ द डेट ऑफ मेकिंग विल इज ट्रीटेड एज अ लेजटी इन द एग्जिस्टेंस एंड हैंस कॉम्पिटेंट टू टेक अवेस्ट यहाँ पर क्लियर है एक कोई बच्चा कोई भी चाइल्ड जो है रसीद करने के छः महीने के बाद छः महीने के अंदर अंदर अगर जन्म ले लेता है तो वो एक लिजिटिमेट लेजटी माना जा सकता है अगर किसी बच्चे के नाम पर ऐसे बच्चे के नाम पर रसीद की गई है जो कि उसका अभी जन्म नहीं हुआ है और वो जो है उस माँ के पेट में है वोम में है अगर वसीद करने के बाद छः महीने के अंदर उसका जन्म हो जाता है तो वो एक लिजिटीमेट लेजिटी बन सकता है अकॉर्डिंग टू मुल्ला आई रिक्वेस्ट टू अ पर्सन नॉट येट इन द एग्जिस्टेंस एट द टेस्टेट डेथ इन वर्ल्ड अगर जिस बच्चे का जन्म उस जन्म जो है उस टेस्टेटर की डेथ से पहले नहीं हुआ है तो फिर वो रसीद वैलिड नहीं मानी जाएगी अब रिक्वेस्ट टू अ पर्सन नॉट येट इन एग्जिस्टेंस अगर ऐसा कोई भी बच्चा जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है वो पेट में भी नहीं है तो उस कंडीशन में वो विल वाइड हो जाती है बट अ रिक्वेस्ट मे बी मेड इन चाइल्ड इन द बॉम इट मीन्स कि अगर जो बच्चा अभी है ही नहीं पेट में भी नहीं है तो उसके अगेंस्ट अगर उसके फेवर में कोई विल की जाती है तो वो तो वाइड है लेकिन अगर बच्चा पेट में है और वो सिक्स मंथ के अंदर जो है वो जन्म ले लेता है आफ्टर द विल तो वो जो है प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी शिया लॉ यहाँ पे क्या बोलता है शिया लॉ बोलता है कि चाइल्ड इन द बॉर्म इज वैलिड इफ इट इज बॉर्न इन द लॉन्गेस्ट पीरियड जेस्टेशन टेन लूनर मंथ यहाँ पे शिया लॉ क्लियर है कि अगर कोई बच्चा जो है पेट में है और वो दस महीने के अंदर अंदर जन्म ले, ले लेता है तो उस बच्चे के नाम पे जो रसीद की गई है वो वैलिड मानी जाएगी और बच्चे को प्रॉपर्टी जो है मिल जाती है तो शिया सुन्नी यहाँ पे अलग अलग लॉ जो है इसके रिगार्डिंग रहते हैं तीसरा बेसिक एलिमेंट है विल का वो है सब्जेक्ट ऑफ द विल एंड वेलिडिटी विल का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा तो ये तो आपको पता है विल का सब्जेक्ट मैटर जो है प्रॉपर्टी होगी और प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी मस्ट भी कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ट्रांसफर किया जा सके ट्रांसफर Uh, आप फिज़िकली कर सकते हैं कई बार कंस्ट्रक्टिव ट्रांसफर भी हो सकती है और कई बार फिजिकल ट्रांसफर भी वहाँ पे होती है दूसरा प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ टेस्टेटर डेथ नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी इन द एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग विल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो प्रॉपर्टी जिसकी वसीयत जो है वो टेस्टेटर कर रहा है वो उसके मरने तक जब वो मरे तो वो एग्जिस्टेंस में आ जाए जरूरी नहीं है कि जब वो विल बना रहा हो उस टाइम पर वो एग्जिस्ट करती हो तो चाहे जब वो वसीयत उसने की चाहे उस टाइम पे उसके पास वो प्रॉपर्टी थी या नहीं थी कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन जैसी उसकी डेथ हुई वो प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए वो उसका ऑनर होना चाहिए दूसरा तीसरी पॉइंट यहाँ पे बात है द टेस्टेटर इज़ द ऑनर ऑफ सच प्रॉपर्टी और टेस्टेटर जो है वसीयत करता जो है उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए तीसरा द बिग कोस्ट नॉट बी मेड ऑफ एनी थिंग टू बी परफॉर्म इन फ्यूचर और प्रोड्यूस्ड इन फ्यूचर विल ऐसी चीज़ का नहीं किया जा सकता जो कि अभी फ्यूचर में प्रोड्यूस्ड होना है या फ्यूचर में अभी आना है मीन्स आपका एक बाग है उसमें आम लगते हैं तो आप ये बोलते हैं कि ये जो इसमें जो आम लगेंगे इसका जो मैं आपको विल करता हूँ ये जब लगेंगे तो आप ले लेना आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी ये फ्यूचर में अभी प्रोड्यूस होना है फ्यूचर में आना है हो सकता है उस साल आम ही ना हो तो उस कंडीशन में नहीं हो सकता तो ये कुछ कंडीशन है जो कि फुलफ़िल करनी है मुल्ला इज़ ऑल्सो ओपिनियन दैट द बिग्वेस्ट इन फ्यूचर इज़ वाइड एंड अ कंटीजेंट बुकस इज वाइड तो यहाँ पे क्लियर हो गया अगर ऐसी चीज़ का आ, विल कर रहे हैं जो कि अभी फ्यूचर में प्रोड्यूस होना है फ्यूचर में उसको आना है तो वो जो है क्या होगा विल वाइड होगी लेकिन यहाँ पे ये बता दी है एक बात कि अगर जो आप जिस चीज़ की वसीत कर रहे हैं ऐट द मेकिंग ऑफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग विल वो चीज़ नहीं है आपके पास लेकिन जब आप ख़त्म हो जाते हैं उस टाइम पर वो चीज़ आपके पास है तो वो विल जो है वैलिड मानी जाएगी अब आपके पास नेक्स्ट है टेस्टामेंट्री पावर ऑफ इट्स लिमिटेशन क्या बसीत में सारी प्रॉपर्टी का जो है विल किया जा सकता है सारी प्रॉपर्टी को आ, किसी के नाम पे किया जा सकता है किसी भी लिजिटी को सारी प्रॉपर्टी दी जा सकती है गिफ्ट में आपने देखा कि गिफ्ट में एक जो डॉनर है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर सकता है अंडर मुस्लिम लॉ अंडर मुस्लिम लॉ उसके पास कोई एंसेसरल प्रॉपर्टी और जो है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कोई भी डिफरेंस नहीं है दया भाग की तरह स्कूल है मुस्लिम लॉ और वहाँ पे जब तक फादर है किसी का भी प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है मुस्लिम लॉ के अंडर भी यही रूल है इट मीन्स कि जब तक फादर है चाहे उसके पास एंसेसरल प्रॉपर्टी है चाहे उसके पास सेल्फ कार्ड प्रॉपर्टी है उसका एब्सोलूट ऑनर है वो सारी प्रॉपर्टी जो है किसी को भी बेच सकता है किसी को गिफ्ट कर सकता है इट मीन्स कि गिफ्ट के अंडर जो है एक मुस्लिम जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी को जो है गिफ्ट कर सकता है किसी को भी दान में दे सकता है चाहे उसके जो लीगल हेयर है उनको कुछ मिले या ना मिले लेकिन अगर एक मुस्लिम जो है विल करता है तो विल जो है वो वन थर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकती है वो अपनी प्रॉपर्टी का सिर्फ वन थर्ड ही हिस्सा जो है वसीद कर सकता है बाकी थ्री फोर्थ जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके जो है लीगल हेयर को मिलेगी लेकिन गिफ्ट में वो सारी प्रॉपर्टी की गिफ्ट जो है वो कर सकता है दस टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट आर देयर इंस्पेक्ट ऑफ द लिमिट ऑफ विल दैट इज लिमिट इंस्पेक्ट ऑफ द टेस्टेटर एंड लिमिट इंस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द वि मुस्लिम पर्सन कैनॉट मेक अल इन फेवर ऑफ हिस् टिल द अदर हायर डू नॉट कंसेंट फॉर इट सच कंसेंट इज इजेंशियल टू बी द गिवन आफ्टर द टेस्टेटर तो पहली कंडीशन क्या है कि एक तो जो मुस्लिम uh, है वो अपनी प्रॉपर्टी का वन थर्ड से ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकता वो वसीयत वो किसी को भी कर सकता है लेजिटी कोई भी हो सकता है नॉन मुस्लिम भी हो सकता है पीछे आपने पढ़ लिया लेकिन वो वन थर्ड से ज़्यादा उसको नहीं दे सकता दूसरी कंडीशन ये है कि जब उस पर अगर उसने वन थर्ड प्रॉपर्टी जो है बसीत में दे रखी है तो आफ्टर हिज डेथ जो उस वसीतकर्ता के उस टेस्टेटर के जो लीगल हेयर होंगे जो उसके जो असल में उत्तराधिकारी होंगे वो 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 पर्सन नहीं जिसको बसीद की जा रही है वो नहीं वो तो कोई कोई भी हो सकता है इसके अलावा जो उसके लीगल हेयर उसके प्रॉपर्टी के बनते हैं वो उस बसीद को कंसेंट अपनी दें तो कंसेंट जरूरी है और वन थर्ड से जान कंसेंट कौन देंगे उस टेस्टेटर के उस डिजीज टेस्टेटर के जो है लीगल हेयर जो होंगे वो कंसेंट वहां पे देंगे दूसरी बात यहां पे ये यह है ये तो आपने पढ़ लिया असेंबली नो पर्सन कैन मेक अ विल फॉर मोर देन वन थर्ड हिज नेट एसेट एंड द पेमेंट ऑफ फनरल चार्जेस एंड द डेट अन द अदर हेयर कंसेंट टू इट एंड आफ्टर डेथ तो ये चीज़ें तो आपने पढ़ ली कि वो वन थर्ड से ज़्यादा प्रॉपर्टी का वसीद नहीं कर सकता और वन थर्ड प्रॉपर्टी की जो उसने बसीत किसी पर्सन को के रखी है तो उसकी डेथ के बाद जो उसके लीगल हेयर हैं उस ए, उस आ, डिजीज टेस्टेटर के वो भी उस वन थर्ड प्रॉपर्टी की जो विल हुई है उसको अपनी कंसेंट दें अपनी सहमति उसको दे लेकिन यहाँ पे शिया लॉ जो है अलग बोलता है शिया लॉ आपको यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे उसके बारे में नहीं लिख रखा है शिया लॉ के अंडर अगर किसी शिया मुस्लिम ने वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी की बसीत करनी है तो वो वन थर्ड और वन थर्ड से ज़्यादा भी कर सकता है अगर वो वन थर्ड प्रॉपर्टी की वसीत करता है तो उसके मरने के बाद जो है जिसके नाम पे वसीत की गई है उसको जो उस डिजीज एंस डिजीज एटेस्टेटर के जो हेयर है उनकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है तो वन थर्ड तक जो है अगर प्रॉपर्टी वसीत हुई तो उसकी किसी भी कंसेंट लेने की जरूरत वहाँ पे नहीं है अगर वन थर्ड से ज़्यादा प्रॉपर्टी वसीत की जा रही है तो उस कंडीशन में जो है लीगल हेयर जो होंगे उनकी कंसेंट लेना जरूरी होगा ये शिया लॉ का स्कूल है तो उससे जो है अलग है यहाँ पर सुजाती so, बी बर्सिस फातिमा बी का केस है टू थाउजेंड टू का मद्रास हाईकोर्ट का बिक्वेस्ट मेड बाय द मुस्लिम मेल इन फेवर ऑफ वन ऑफ हिज हेयर ओनली परमिसिबल व्हेन द अदर हेयर शेयर्स कंसेंट टू दैट एंड द टू आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर मे साइलेंस ऑफ एनी हेयर इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कंसर्निंग प्रोसीडिंग एंड बाय रिमेनिंग एक्सपर्ट डू एक्स पार्टी कैन नॉट बी कंसिडर टू बी द इम्प्लीट कंसेंट तो यहाँ पे साफ लिख रखा है कि अंडर द मुस्लिम अगर किसी पर्सन ने वसीद करना है अपनी वन थर्ड प्रॉपर्टी का अपने ही हेयर को तो बाकी हेयर की कंसेंट लेना यहाँ पे बड़ा जरूरी हो जाता है और साइलेंस जो होगी ये यह स्वकृति यहाँ पे नहीं होगी जो है इसको बोला गया है यासिन इमाम भाई शेख वर्सिस हजेरा बी का केस है ए आई का केस है अ जनरल रूल रिगार्डिंग द लिमिट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ विल अंडर मुस्लिम लॉ इज द नॉन मुस्लिम नो मुस्लिम कैन मेक बिग्स्ट जिसको विल भी बोलते हैं और मोर देन वन थर्ड ऑफ इज नेट एसेट आफ्टर द पेमेंट ऑफ फिनल चार्जेस एंड डेप्ट उसके कर्जे चुका देने के बाद उसके फिनल का संस्कार का खर्चा चुका देने के बाद वन थर्ड प्रॉपर्टी की बसीत जो है वो कर सकता है सारी प्रॉपर्टी का बसीत वो नहीं कर सकता है ये आपने पढ़ा तो वन थर्ड का रूल है यहाँ पे और कंसेंट ऑफ द हेयर लेना ज़रूरी है लेकिन शी लॉ में आपने देखा कि अगर वो वन थर्ड की प्रॉपर्टी उसी कर रहा है तो उसमें उसे किसी भी हेयर की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है उस लेजिटी को और अगर वो वन थर्ड से ज़्यादा कर रहा है तो फिर लेजिटी को जो हेयर जो है उसके जो लीगल हेयर है उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट ऑफ विल क्या है द ऑब्जेक्ट ऑफ विल मस्ट बी लॉफुल लॉफुल होना चाहिए सोशल होना चाहिए रिलीजियस होना चाहिए तो अगेंस्ट द इस्लाम जो है वो विल नहीं की जा सकती है फॉर्म्स ऑफ विल विल में बी मेड इधर वर्बली तो विल जो है वर्बली भी बनाई जा सकती है राइटिंग में भी हो सकती है ऑर्ली नो पर्टिकुलर वर्ड रिक्वायर्ड बट इंटेंशन ऑफ द टेस्ट मस्ट भी कोई वर्ड वहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है किसी तरीके का जैसे तलाक में तलाक तलाक बोलना जरूरी होता है उस तरीके का कोई भी वर्ड वहाँ पर रिक्वायर नहीं होता लेकिन आपकी इंटेंशन जो है विल करने की चाहिए नॉट रिक्वायर टू बी साइंड टेस्टेशन की भी जरूरत यहाँ पर विल के लिए नहीं होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर अब आपके पास यहाँ पे आ जाता है abatement of will a uh, retable ab abatement means uh, uh, proportionate reduction of will bequest made of more than one third to the two or more person हेयर डज नॉट नॉट कंसेंट टू इट अंडर अंडर द हनफी लॉ शेयर आर रिड्यूस प्रपोर्शनरी और ब्रिंग डाउन द वन थर्ड देयर फॉर द बिकॉज अबेट रेडी तो अगर अबेटमेंट होता है अगर दो बंदों को बराबर की बिल दी जा रही है तो वन थर्ड उनमें बराबर वहाँ पर बांट दिया जाएगा ये यहाँ पर बोला जा रहा है अब रेवोकेशनल बिल जैसे आपने गिफ्ट में देखा गिफ्ट का रेबोकेशन हो सकता है तो आपने देखा कि गिफ्ट को जो है एक बार बन हो जाती है तो उसको रेबोकेट करना मुश्किल हो जाता है ये तभी हो सकता है अगर आपने डिलीवरी और पोजेशन ऑफ गिफ्ट अभी नहीं दिया है या दूसरा जो है डॉनी अपनी कंसेंट दे दे कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट के लिए या कोर्ट की डिक्री आपके फेवर में आ जाए कि यह गिफ्ट जो है ये हम कैंसिल करते हैं उसी कंडीशन में गिफ्ट जो है वो कैंसिल रेवोकेट हो सकता है लेकिन विल जो है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इन टेस्टेट सॉरी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द टेस्टेट जब तक वसीद करता जिंदा है वो जब मर्जी चाहे विल को कैंसिल वहाँ पे कर सकता है द मोहम्मद अल्लाह कन कन्फर्स ऑन अ टेस्टेटर अनफेटेड राइट टू रिवॉक हिज बिल एनी टाइम तो वो अपनी बिल को कभी भी रिवॉक कर सकता है कभी भी बिल को ख़त्म कर सकता है वो कैसे कर सकता है एक्सप्रेस वे से इम्प्लीट वे से और सब्सिक्वेंट वे से ये देखना है अब आपको तो अगर उसने एक बसीत जो है रेवेन्यू ऑफिस में जाकर बनाई है तो वो एक और नई वसीत वहाँ पे जाके बना सकता है उसमें लिख दिया हूँ वो कैंसिलेशन ऑफ बिल कि जो उसने बिल बनाई है वो उसको कैंसिल करता है तो इस तरीके से एक्सप्रेस वे से रिटर्न वे से जो उसने बिल बनाई है उसको वो कैंसिल कर सकता है दूसरा इंप्लीड वे से अब बिक्वेस्ट लैंड टू बी सब्सिक्वेंटली बुड अ हाउस ऑन इट इम्प्लीट बेस से वहाँ पे ऐसा वो कुछ नहीं कर रहा रिटर्निंग में या ऑर्ली वो कुछ नहीं बोल रहा जिस प्रॉपर्टी को उसने जो उसको दिया था वो उस प्रॉपर्टी को फिर से यूज़ करना स्टार्ट कर देता है जैसे उसने उस प्र... एक लैंड पीस ऑफ लैंड जो था किसी पर्सन को विल कर रखा था बाद में उसने उस पर घर बना लिया इट मीन्स कि अब उसकी इंटेंशन उस लैंड को उसको देने की नहीं है क्योंकि उसने उस पर घर बना लिया और विल क्या की गई थी लैंड की गई थी घर नहीं किया गया था तो इट मीन्स कि इंप्लीट तरीके से उसने वहाँ पर अपने बिल को रेवोकेट कर दिया तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक सब्सिकेंट बिल होता है आप अपनी लाइफ टाइम में जितनी मर्जी बिल जो है बना सकते हैं आपने एक एक वसीयत जो है एक ही फेवर में बनाई उस उसके बाद जो आपको ए ठीक नहीं लगा उसका लगा आपका भी, उसका बिहेवियर आपके टू चेंज हो गया उसने वो उसके बाद उसने एक और बिल बनाई जो कि बी के फेवर में बना दी बी भी उसको थोड़े दिनों के बाद उसको लगा कि उसका बिहेवियर उसके टूवर्ड अच्छा नहीं है उसने सी के खिलाफ एक बसीद बना दी तो यहाँ पर जो लेटेस्ट बिल बनी होगी ना वो प्रिविल करेगी सी की बसीज जो होगी वो वैलिड हो जाएगी और पहली वाली दो बसी जो होगी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगी तो ये जो है सब्सिक्वेंट बिल जो होगी वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है जैसे आप रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी टू एक्स एंड आफ्टर वर्ड रिक्वेस्ट ए टू जेड ए जो है पहले एक प्रॉपर्टी एक्स को विल करता है उसके वाई प्रॉपर्टी वो जेड को जो है गिफ्ट करता है तो जो उसने जेड को गिफ्ट किया है ना इट मीन्स फर्स्ट बिकॉज़ इज़ रिवॉक्ट तो पहला वाला गिफ्ट जो उसने एक्स को किया था वो रिवॉक्ट हो गया और जेड को जो है क्योंकि उसको उसने बाद में किया लेटरली किया तो वो प्रॉपर्टी जो है वो बिल जो है वैलिड वहाँ पर हो जाएगा तो ये है आपके पास बिल का क्वेश्चन थैंक यू सो मच